क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद माइनस 3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि माना, ये लिखना कोई खास जरूरी नहीं है लेकिन लिख देते तो अच्छा रहता, माना जीपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्व अनुपात बराबर आर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से ए आर पावर में है स्क्वायर है ना यहाँ पे। अच्छा चलिए, अच्छा ये भी यहाँ लिख देते हैं कि इसका प्रथम पद जो है माइनस 3 है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हो जाएगा ए आर क्यूब बराबर में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगेगा। चलिए ए के से ए के गया और यहाँ आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर गया, यानी कि आर बराबर ए बच जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखे या नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब कि एक तरफ आर को एक तरफ ए को, आर क्यूब बटा आर स्क्वायर और ए स्क्वायर बटा ए। देखिए यहां से ये कटेगा तो आर बचेगा ना, और यहां से ये कट जाएगा एक ए बचेगा, यानी कि यहां से आर बराबर ए आ गया और ए का मान तो -3 है, यानी कि आर का मान भी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और ए का भी मान -3 है, तो सातवां पद निकालना है ना। चलिए तो A7 निकालना है ना, तो A7 निकालना है मतलब AR का पावर 6, तो ए की जगह -3 और आर की जगह भी -3 का पावर 6, यानी -3 का पावर 7, यानी आ जाएगा -2187। समझ गए, चलिए चलिए।